ग्वालियर जिले में इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो जाने पर पुलिस ने झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आपको बता दें बीते 23 मार्च को मुरार थाना अंतर्गत तृप्ति नगर नदी पार टाल पर रहने वाले नेमीचंद वर्मा की तबीयत खराब हो गई थी। इसी के बाद वे भटेले मेडिकल के सामने डॉक्टर अजय मौर्य के क्लिनिक पर इलाज कराने गए, जहां इलाज के दौरान डॉक्टर ने नेमीचंद को इंजेक्शन दिया था, लेकिन इसके बाद ही नेमीचंद की तबीयत ज्यादा खराब हो गई और नेमीचंद के परिजन उसे एक निजी अस्पताल में बेहोशी के हालत में ले गए, जहां नब्ज टटोलते हुए डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं नेमीचंद के भाई पद्मेश का आरोप है कि डॉक्टर ने इलाज में लापरवाही बरती है, जिसके चलते उसके भाई की मौत हो गई है। वहीं पुलिस ने नेमीचंद की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद डॉक्टर अजय मौर्य के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। ठाटीपुर थाने में दिनांक 23 तारीख को एक मर कायम हुआ था, नेमीचंद करके थे, नेमीचंद वर्मा। उनका इलाज के दौरान जो है एक डॉक्टर के पास उन्हें पता चला था उनको पैरालिसिस की प्रॉब्लम थी, तो इलाज कराने गए थे। इलाज के दौरान उनको दिन में की थोड़ी एक इंजेक्शन लगाया, बोले शाम को और दवाई वगैरह बोतल वगैरह आ जाएगी तो आपको लगा देंगे। शाम को जब वो इलाज कराने गए तो उनको बोतल लगा के इंजेक्शन वगैरह लगाया तो उनकी इलाज के दौरान ही डेथ हो गई थी। लापरवाही पूर्वक उनके द्वारा ट्रीटमेंट किया गया था, उनके पास कोई रजिस्टर्ड प्रैक्टिस की और सर्टिफिकेट वगैरह भी नहीं था। उस पर से मर कायम किया गया था। जांच पर से जो है धारा दो लोगों के विरुद्ध धारा 304 व 34 और 24 मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान संस्थान का अपराध डॉक्टर अनुज मौर्य और कमल वर्मा के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना में लिया।